माय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज है एक और छुट्टी का दिन। आज का दिन बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, बहुत ही अलग सा होने वाला है, क्योंकि ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आए हैं बैंगलोर पे एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी दे आर हेयर विथ मी। इधर ही है, एक हफ्ता हो गया है वो लोग आए हैं, और एक हफ्ते से मतलब मेरा तो मज़ा ही चल रहा है। आप सोच सकते हो कि इतने सालों के बाद वो लोग, क्योंकि कोविड चल रहा था ना बीच में, इसलिए दे कुडंट कम। अभी कोविड थोड़ा ठीक है तो आई वाज लाइक चलो आ जाओ। अभी वो लोग आए हैं तो बहुत ही मस्ती चल रही है, पार्टी चल रही है हर दिन। मम्मी तो कुछ ना कुछ बना के खिला रही है, मतलब अगर आप बंगाली हो तो आपको समझ में आएगा। वो लोग उधर से पता है इलिश माछ, देन पारसे माछ, देन कुछ साग, देन मम्मी इधर आके कुली पीठा, देन क्या बोलते हैं पाटी शप्टा। अगर आप नॉन बंगाली हो आपको ये सारा टर्म समझ में नहीं आएगा, बंगाली हो तो आपको समझ में आएगा। ये सब बन रहा है और मस्त पार्टी चल रहा है ऐसे खाने वाला। तो या आज क्या है ना, आज छुट्टी का दिन है तो आज हमने सोचा है कि चलो थोड़ा बाहर चलते हैं। एक्चुअली बहुत दिन से हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बाहर चलते हैं, लेकिन अभी बैंगलोर का वेदर, ओ माय गॉड, एक महीना पहले ऐसा था, उसके बाद कुछ ठीक हुआ था, अभी फिर से पूरा बारिश बारिश बारिश, क्लाउडी वेदर। हमने कितना कुछ प्लान किया था कि हम घूमने के लिए जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हर जगह पे बारिश होने के लिए सब मतलब पूरा चौपट हो जाएगा, और बहुत जगह पे बारिश ज़्यादा हुआ है इसलिए तो एंट्री भी नहीं है, तो ज़्यादा कुछ प्लान नहीं बन रहा है। तो आज के लिए तो हमने सोचा है कि आज थोड़ा बेंगलुरु के अंदर ही घूमेंगे, तो वो घूमने के लिए जाएंगे आज हम। और अब देख सकते हो आई एम रेडी, थोड़ा मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। सो दिस इज़ अ टॉप, दिस इज़ अ क्यूलॉट पैंट, और मैंने थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया है, मैं रेडी हो गई हूँ। एंड कैन यू सी द डिफरेंस इन माई फेस, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, मेरा आईलाइनर बहुत डिफरेंट लग रहा है ना, क्योंकि मैंने आज मतलब ये वाला लाइनर मैं ढूंढ रही थी, ऐसा लाइनर जो डार्क, एकदम डीप डार्क, क्या बोलते हैं, जो एकदम डीप डार्क ब्लैक होगा, शार्प ब्लैक होगा। मैंने मेबलिन का यूज़ किया है, लैक्मे का यूज़ किया है, शुगर कॉस्मेटिक्स का यूज़ किया है, और ना जाने कितने सारे मैंने आईलाइनर यूज़ किया है, लेकिन वो जो डीप डार्क होता है ना, वैसा वाला लाइनर मुझे नहीं मिल रहा था। फाइनली आई गॉट इट, एंड अब देख ही सकते हो कितना डार्क है, और मैंने थोड़ा सा विंग जैसा किया है, क्योंकि उससे विंग ना बहुत अच्छा बन रहा था। सो द लाइनर इज दिस वन, मामा अर्थ का न्यू आईलाइनर लॉन्च किया है। सो टॉकिंग अबाउट दिस आईलाइनर, ये इतना अच्छा है, बिल्कुल 10 सेकेंड्स में ड्राई हो जाता है, बहुत इजीली ग्लाइड हो जाता है। अगर आपको विंग आईलाइनर पसंद है ना, मैं तो इतना अच्छा वाला विंग आईलाइनर मैं नहीं कर सकती, लेकिन जितना मुझे हुआ है बहुत इजीली हुआ है। आपने मुझे देखा होगा कि ऐसा विंग आईलाइनर मैं बहुत रेयर करती हूँ। सो दिस इज़ रियली ईजी एंड रियली सच ए नाइस डार्क कलर, और ये 10 आवर्स तक स्टे होता है, वाटर प्रूफ है, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वन इज दिस इज मेड सेफ सर्टिफाइड, तो आपके आंखों के लिए बिल्कुल सेफ है। एंड उससे भी अच्छी बात यह है कि इसके अंदर है आमंड ऑयल एंड कैस्टर ऑयल, सो मेकअप विद द गुडनेस ऑफ नेचर लाइक आमंड, कैस्टर ऑयल, ये सब हमारे लैशेज के लिए बहुत अच्छा होता है। सो कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है जो हमारे लैशेज का कोई हार्म करे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस वन, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। और मामा अर्थ डॉट इन के वेबसाइट से अगर खरीदोगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा विद दिस कूपन कोड, और ये आईलाइनर आपको मामा अर्थ डॉट इन के वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगा, उसके अलावा अमेजन, नाइका, purple.com पे भी मिल जाएगा। आपको पता ही है कि मामा अर्थ ने उनका ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया है, तो ऐप यूजर्स को अर्ली एक्सेस मिलता है फॉर सेल्स एंड ऑफर्स। एंड एज यू ऑल नो, मामा अर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, दे हैव प्लान गुडनेस इनिशिएटिव, जहाँ पे दे आर एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज बाय 2025, विच इज रियली रियली ग्रेट, आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड या माई मस्कारा इज डन, दिस इज हाउ इट लुक्स,
मुझे ना अभी ऐसा वाला विंग्ड लाइनर, उसके साथ मस्कारा और नीचे पूरा नेकेड रहेगा, मतलब नेकेड लोअर लैश लाइन, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा यू नो फ्लोटिंग आइज जैसा फीलिंग देता है। सो या मैं तो हो गई हूँ रेडी। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको मेरे मम्मी पापा से मिलाती हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना, लंच के बाद मैंने उन लोगों को बोला है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद आप लोग रेडी हो जाओ, तब तक मैं भी रेडी हो जाती हूँ। मुझे थोड़ा टाइम लगता है कि एक्चुअली कभी कभी हो जाता है चट से मैं रेडी हो जाती हूँ, और कभी कभी होता है कि यार इसके साथ क्या पहनूँ, ये सब चलता रहता है। सो या नाउ आई एम रेडी, नाउ आई विल हरी द मम। एंड नाउ वी हैव कम टू विधान सौदा। एक्चुअली हम जा रहे थे, रास्ते में ये मिला तो हमने सोचा कि क्यों ना मम्मी पापा को थोड़ा दिखा दे। और ये है हमारे पेरेंट्स। हाय तो अभी विधान सौदा में हम आए हैं। सो या ये है विधान सौदा, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे काफी सारे ब्लॉग में, जाते जाते मैं खिंचाती हूँ फोटो। आए हैं बैंगलोर पैलेस, और बाहर मैंने सोचा था अच्छे से मैं इंट्रो करूँगी, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि बहुत बारिश हो रहा था। सो या आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत बड़ा मिरर है जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। एंड आज एक्चुअली क्रिसडे है महरम, और देखो इतना भीड़ है, पीछे बहुत सारे लोग हैं, मतलब और बाहर जो क्यू था ना बहुत सारा लोग था, तो आज हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सारा भीड़ होगा, बट स्टिल इट्स देयर। और बेंगलोर पैलेस आ रहे हो तो शायद आपको पता ही है कि इधर ऑडियो टूर होता है, सो ही इज़ इन द लाइन ऑडियो टूर के लिए लगा रहे हैं ऑडियो सबको। ये है ऑडियो इंचार्ज। कितना अच्छा वाला एक ये देखो ड्रेसिंग टेबल, मैं भी देखो राजा ने रानी के लिए ऐसा इतना सुंदर बना के दिया है। आप भी बना के दो, यही लेके चल लेते हैं ना। पूछ लो प्राइस कितना है। प्राइस कितना है आपका? औकात नहीं है ये वाला, ये एंटिक पीस है, ऑफ कोर्स इट इज, दिस इज प्राइसलेस। ऐसे कितना अच्छा लगेगा, वाह है ना। हाँ ये वाला, अरे यार ये देखो गाइस, ओ माय गॉड, ये लेके चलते है ना। हाँ, दिस वन इज वाइड बेबी, ऐसा फुल लेंथ मिरर मुझे बहुत दिन से चाहिए था। और ये देखो इतना पास आ सकते हो, यू कैन बी लाइक वन हैंड अवे, पूरा आपका बॉडी दिखता है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मिरर ऐसा होना चाहिए। हाँ, और ये देखो ये एक और, वाओ कितने रानियां थी बेबी, उनको कितना रानी थे कि इतना सारा ड्रेसिंग टेबल, बड़े लोग बड़ी बात है। ये देखो वाइट कलर, वो भी आजकल हमें जो चाहिए वाइट कलर, सबके जमाने का वाइट कलर, अभी के जमाने का ग्रे कलर। हमारा
बेंगलोर पैलेस का टूर बहुत ही छोटा लगा मुझे। बार बार एक ही लग रहा है कि वो जो जगह होता है ना जहाँ पे डांस वगैरह होता था, क्या बोलते हैं उसको, शीश महल जैसा कुछ डांस होता था, वो वाला आई थिंक बंद कर दिया है मुझे लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब आए थे तब वो था। एंड वो देखने वाला एक चीज़ है, मतलब देखने वाला एक है, आई डोंट नो, बहुत ही छोटा लगा मुझे, मतलब कम कर दिया है। बहुत पहले का भी बहुत ज़्यादा था। हाँ, वेटिंग पीरियड के हिसाब से, मतलब लाइन टिकट के लिए लाइन, फिर आपको वो ऑडियो लेने के लिए लाइन, उतना टाइम पे हम पूरा पूरा हम लोग पैलेस घूम के आ गए। लेकिन या मतलब लगा कि बहुत सारे वो जगह शायद इन लोगों ने एंट्री रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, सो या जल्दी हो गया। वाव, इधर भी बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है, और इस आदमी को, और इस आदमी को पता नहीं आज क्या हो गया है, सेल्फ ऑब्सेस्ड, खुद का फोटो ले ही जा रहे, ले ही जा रहा है, इरकम ऐसे करते हैं, ऐसा ऐसा, खुद का फोटो ले ही जा रहे। वाव, द गार्डन इज ऑल्सो सो नाइस। डेस्टिनेशन इज लाल बाग बोटेनिकल गार्डन, और देखो कितना भीड़ है, बहुत लोग है पीछे, बहुत लोग बाहर आ रहे हैं, कुछ शोज भी चल रहा है इधर एक्चुअली। कितने लोग बाहर आ रहे हैं अभी, ओ तेरी, कितना भीड़ है, इतना भीड़ होगा हमने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था सच में। और आज तो मतलब छुट्टी है, लेकिन वीकडेज वाला छुट्टी का दिन है, मुहर्रम का ट्यूजडे वाला छुट्टी है, बट बहुत भीड़ है, बारिश में भी लोग आ रहे हैं ऐसे गार्डन पे। ओ भाई साहब, ये टिकट का प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, 75 फॉर एडल्ट। एक्चुअली यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे इधर मेला चल रहा है, इसलिए इतना भीड़ है, मैं वही सोचूं इतना भीड़ क्यों है। और ये देखो मेरे पीछे, देखो कितना लोग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, मेला चल रहा है, जैसा कि इधर इतना क्या है, भजी ये पहले फूल तो दिखा दो लो। ये देखो, ये इधर ये बिक रहा है बेबी लोटस, रुको, माय गॉड कितना सारा फूल, बेबी लोटस है, ये देखो लोटस है, वाह, ये बारिश में मैनेज किए करे पर लोटस है। हाँ, ऐसे ये पूरा, ये इसको तबेले के साथ लेके जाना है, मच्छर। अरे ये देखो, इधर भी देखो ना, उल्टी साइड पे गंधराज, वाह, ये ऑर्किड क्या रेट है, 400। ये देखो मेरा घर गृहस्थी करने वाला पति इधर भी आके ये देख रहा है, वाव, ये लेना है मेरा संसारी पति। फ्लावर बस, फ्लावर में वो रखने का, ये बोलो 10 rupees each, ये है 40 rupees each, ये बहुत सुंदर है। मतलब इस मेला पे आपको मिलेगा बहुत सारा प्लांट्स, उसके साथ साथ घर सजाने का चीज़ें, और अभी हम स्वीट कॉर्न खाने के लिए इधर आए हैं। जो एक्चुअल जो अट्रैक्शन है लालबाग में फ्लावर शो, उधर हम जाएंगे, पहले थोड़ा खा ले, और बहुत कुछ है खाने का, बहुत सारा स्टॉल वगैरह है, 15 अगस्त तक चलेगा ही। सो इधर जो हो रहा है वो है फ्लावर शो,
ओ इधर भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं। नहीं पहले फ्लावर देख लेते हैं। पूरा जो ये शो हो रहा है ना उसके सराउंडिंग में पूरा वो स्टॉल्स है। ये देखो उधर सारा स्टॉल्स किया हुआ है। अमेजिंग। इधर बहुत बहुत रेयर टाइप का फ्लावर्स दिखा जो हम देखते हैं ना प्लास्टिक का वो मुझे रियल में दिखा। दैट वाज सो अमेजिंग। तो अभी हम ये ऊपर की तरफ आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर की तरफ अभी हम जा रहे हैं। इधर से थोड़ा व्यू एंजॉय करेंगे। तो अभी हम चढ़ के आए हैं ऊपर तक। हमने सोचा इधर से वो जो लेक होता है ना वो दिखेगा लेकिन इधर से नहीं दिखता है। मुझे एक्चुअली याद नहीं है बहुत दिन पहले हम आए थे लालबाग पे। सो अभी उधर ये पीछे एक टेम्पल जैसा है और इधर हम थोड़ा बैठे हैं। काफ़ी अच्छा हवा आ रहा है। एंड नाउ वी आर बैक टू होम। तो आज एक्चुअली बहुत चलना पड़ा हमें क्योंकि ऐसे ही लालबाग पूरा तो हम लोग नहीं घूमे हैं लालबाग। तो थोड़ा बहुत जो जितना भी हम लोग घूम लिया है थोड़ा चल गए बहुत चलना हुआ। तो हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम रेस्टोरेंट जाके खाना खा के फिर घर आएंगे। फिर इट वाज लाइक वी आर ऑल टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड तो घर पर मंगा लेते हैं। तो घर पर हमने मंगवाया है टन टना एक और टन टना। तो ये सब हमने मंगवाया है और साथ में बैठ के अभी हम करेंगे डिनर। अर्ली वाला डिनर हो जाएगा ना। यस टुडेज अर्ली। तो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। आज का व्लॉग थोड़ा सा मतलब हाँ एक्सप्लोर बैंगलोर काइंड ऑफ व्लॉग था और अभी तो मस्त टाइम चल रहा है। सो या लेट्स एंड द व्लॉग हियर। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।